भूषण को फांसी दो, कुलभूषण को फांसी दो, उन पहलवान बेटियों को इंसाफ दो, 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 कुलभूषण को फांसी दो। देवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और साहब भी यहाँ पर खड़े हुए, ये हेडलाइन लगाना कि बेटियां पहलवान बेटियों के समर्थन में जलगांव में रहती थी और एक नाथ जी शिंदे यहाँ से गुजर गए, मगर आधा मेड़ भी उन्होंने रुकने की तकलीफ नहीं की, क्या भरोसा करेंगे। नजर आज बड़ी तादाद में जलगांव शहर में कलेक्टर ऑफिस के सामने खिलाड़ी बेटियां, खिलाड़ी बेटे और बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम स्टूडेंट्स, बेटियां और सियासी समाजी हर पार्टी के जिम्मेदारान आज धरना, एहतजाज और आंदोलन करते हुए नजर आए। आप जानते हैं कि बीजेपी का सत्ताधारी पार्टी का एक दरिंदा ब्रजभूषण, जिस पर पहलवान बेटियों ने, खिलाड़ियों ने, वो बेटियां जिन्होंने मुल्क के लिए तमगे जीता, मेडल जीता, मुल्क का नाम रोशन किया, उन बेटियों ने ब्रजभूषण पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने दुष्कर्म किया है और बकायदा उस पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी मालूमात के मुताबिक दर्ज किया गया है। मगर अफसोस की बात यह है कि 16 दिन से जंतर मंतर पर बेटियाँ धरना कर रही है, मगर आज तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि ब्रजभूषण सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का लाल है, मोदी जी के करीबी लोगों में है, बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी है, आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। जलगांव शहर में भी आज जंतर मंतर पर बैठी पहलवान बेटियों के आंदोलन के समर्थन में आज जलगांव शहर में भी हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने मिलकर बाकायदा एक जोरदार धरने आंदोलन किया और ब्रजभूषण को फांसी दो, पहलवान बेटियों को इंसाफ दो के नारे बुलंद किए। इसी दौरान एक बड़ा वाकया पेश आया कि आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ पर जलगांव आए हुए थे, किसी के यहाँ मुबारकबाद देने, हार्दिक शुभेच्छा देने, किसी शादी में शिरकत के लिए आए थे। वो इस आंदोलन के सामने से गुजरे जहाँ पर ये बेटियाँ इंसाफ की मांग कर रही थी और पुरअमन आंदोलन कर रही थी, मगर उनका काफिला यहाँ से गुजरा और आधा मिनट के लिए भी उन्होंने बेटियों के दर्द सुनना पसंद नहीं किया और रुकना पसंद नहीं किया, जिस पर बाकायदा कांग्रेस के नेता मुफ्ती हारून नदवी और ऐसी तमाम बेटियों ने भी निंदा की और अफसोस का इजहार किया और कहा कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं क्या कहा इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने। ये हेडलाइन लगाना कि बेटियां पहलवान बेटियों के समर्थन में जलगांव में रहती थी और एक नाथ जी शिंदे यहां से गुजर गए, मगर आधा मेड़ भी उन्होंने रुकने की तकलीफ नहीं की, क्या भरोसा करेंगे आप। अभी आपको मालूम है मैं फौरन अभी यहां से भागने वाला हूं, क्यों, मैं, मेरी बीवी, हम दोनों गाड़ी में, मेरी बच्ची जो है अभी 5:30 बजे आ जाएंगी, बताओ डर लग रहा है मुझके हारून को भी, डर लग रहा है मुझके हारून को कि हमारी बेटियां महफूज नहीं है, न किसी हिंदू की, न किसी क्रिश्चियन की, न किसी बौद्ध की, न किसी दलित भाई की, न किसी ब्राह्मण भाई की, न किसी जैन की, किसकी बेटियां महफूज नहीं है। और जब सत्ता में बैठे हुए मंत्री लेवल के लोग और अध्यक्ष लोग जब बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं और बेटियां रो रो कर कहती है कि इनको गिरफ्तार करो, लेकिन सत्ताधारी मक्कार हुकूमत ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं, तो पता चला कि ये बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली सरकार नहीं है, ये मक्कार है। इनकी मौजूदगी में ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां महफूज नहीं रहेगी, इसलिए बेटियों आपको भी भाई बहनों आपको भी फैसला करना पड़ेगा कि आपको अपनी हिफाजत चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे बोलो ना यार, आपको हिफाजत चाहिए कि नहीं चाहिए, शैतान दरिंदों से हिफाजत चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी जो दरिंदा है किस पार्टी का है बताने की जरूरत नहीं, कौन कौन बचा रहे बताने की जरूरत नहीं, तो बचाने वालों के चेहरों को भी पहचान लो और दरिंदा किस जमात का है, किस पार्टी का है, उसको भी पहचान लो और तय कर लो कि दरिंदों से बचने के लिए, अपने इस प्यारे देश की बेटियों को बचाने के लिए हमें बहुत सोच समझ कर अगला कदम उठाना पड़ेगा। बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ हमारी इन बेटियों को, हमारी इन बेटियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि दिल्ली की बेटियों, जो दिल्ली में हमारी बेटियां बैठी है, आज जलगांव में हमारी बेटियां उनके समर्थन के लिए बैठी है। और मैं हुकूमत को यह बताना चाहूंगा कि आज जलगांव से आंदोलन शुरू हो गया, जलगांव नगरी जो है ना, जलगांव नगरी जो है ये बहुत जागरूक नगरी है, जलगांव से आंदोलन शुरू हो गया, मीडिया वाले भी आ गए हैं, ओ भैया
ये हेडिंग डालना कि एकनाथ शिंदे रुके नहीं बेटियों के लिए, ये हेडिंग डालना। नारा लगा जोर से, पद्म भूषण को, पद्म भूषण को, पद्म पहलवान बेटियों को, पहलवान बेटियों को, पहलवान बेटियों को, पहलवान बेटियों को, बिल्कुल हाथ उठाकर पहलवान बेटियों को, पहलवान बेटियों को, पद्म भूषण दरिंदे को, पद्म भूषण दरिंदे को, कुछ भूषण दरिंदे को। खैर इंशाल्लाह जलगांव से ये आंदोलन शुरू हो गया, और ये भी मीडिया वालों ने लिख रहा कि वहां पर बैठने वाली हिंदू बेटियों के लिए एक ताली और टोपी वाला मुल्ला मैदान में उतरा हुआ है। यानी कोई हमको बांटने की कोशिश नहीं करना, ना करे, कोई हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर तकसीम करने की कोशिश नहीं करे। ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेज वाली चाल चल रहे हैं। कौन सी चाल? डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके तमाम दलाल बिकाऊ चैनलों को भी बताना चाहूंगा कि उन हिंदू बेटियों के लिए मुल्ला और मुसलमान नकाब वाली बेटियां यहाँ पर आई है, कोई हमको तकसीम करने में कामयाब नहीं होगा। अरे बोलो बेटा, कामयाब नहीं होगा। फिर एक बार नारा लगा दो कि मैं निकल रहा हूँ। ब्रज भूषण को, ब्रज भूषण को, ब्रज भूषण को, पहलवान बेटियों को, पहलवान बेटियों को, पहलवान बेटियों को। बहुत बहुत मुबारकबाद, ऐसे लड़ते रहो।